अभी यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो काफी प्रोटेस्ट वगैरह करी। यहाँ पे 2 महीने बाद जनवरी में इलेक्शन है। पाकिस्तान यू सपोर्ट पाकिस्तान, यू सपोर्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान, व्हाट अबाउट इंडिया, यू डोंट सपोर्ट इंडिया। भाई साहब क्या जबरदस्त, क्या बड़े बड़े सिप है, ये सारे के सारे सिप ना अदर सिटीज में जाते हैं। ये देखो भाई यहाँ का माहौल, चारों तरफ पुलिस पुलिस हो रखी है। जिधर देखो मेरे पीछे, गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से। और ढाका में आज मेरा 4th दिन है। मैं किसी होटल में ठहरा था, होटल से तो मैंने चेकआउट कर दिया है। अब मैं, क्योंकि मेरे को शाम को निकलना है, यदि शाम तक मेरा बैग वगैरह होटल में पड़ा रहेगा ना, तो शाम तक का वो ले लेंगे, रेंट चार्ज कर लेंगे। सबसे पहले तो एक भाई से मिले, अपने भाई से। हेलो हाय अरबाज, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बताइए आप कैसे? बस एकदम बढ़िया। मेरा ऐसा ख्वाहिश था मिलने से, वो सिर्फ आपके लिए। मैं आपको, आपको मालूम होगा मैं कब से मैसेज कर रहा हूं। हां, काफी दिन से मैसेज कर रहे थे। मैं अफगानिस्तान आई थिंक जाने से पहले मैं भाई को मैसेज कर रहा हूं कि मुझे आपसे मिलना है, बट अचानक से बांग्लादेश में मुलाकात होगी। तो चैनल का नाम क्या है आपका? द ट्रैवलिंग ड्यूड। जबरदस्त नाम रखा है यार तुमने। आई वे जो ट्रेवल ट्रेकर, क्या बात है। मेरा नाम आलोक। आलोक, अरे कैमरा लेके घूम रहे हैं आप। एक और भाई अभी अरबाज से मिल रहे हैं। कल मैंने आपका वीडियो देखा, मैं आपको ढूंढ रहा हूं, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं। और मैसेज कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने आपको मेल किया, आप चेक तो करो। मेल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे रहा हूं। अचानक से यू आए, मैंने सोचा ये क्या, मैं आपको खाली प्रैंक करना था। भाई मेरा नाम आलोक है, सुल्तानपुर का निवासी हूँ। क्या नाम है चैनल का? इंडियन आलोक। इंडियन आलोक, ना जबरदस्त सेटअप तो मैंने ही लेके घूमा, सही बता रहा हूँ आप तो। क्या तो भाई, अभी यहाँ पे अपने इंडियन ब्लॉगर भाई मिल गए हैं, तो ऐसे ही हम चाय वगैरह पीने आ गए थे रेस्टोरेंट में। प्लान क्या है आज का वो थोड़ी देर में बताता हूँ, बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है? मैं भूल गया बांग्लादेश को, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि अपने कैलाश भाई साथ। अरे अरे, पता नहीं कितने महीनों बाद कोक पीना हो रहा है मेरा। अभी यहाँ पे हम 3 लोग बैठे थे, वो इंडिया के 2 लोग मेरे को मिल गए थे, एक अरबाज भाई और एक आलोक भाई। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठे, कुछ चाय वगैरह पी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। अब मैं जा रहा हूँ आगे सदर घाट को। एक्चुअली वो लोग भी आएंगे, लेकिन उन लोगों का बैकपैक है ना, वो अपनी होटल वगैरह में पड़ा है, तो वो लोग अपना बैकपैक वगैरह उठाएंगे, सामान वगैरह उठाएंगे, फिर वो लोग भी सदर घाट आ रहे हैं। सदर घाट से फिर हम लोग जाएंगे बोरीसाल शिप लेके। यहाँ पे ओवर नाइट लाउंज चलते हैं, शिप चलते हैं, तो वो लेके हम लोग जाएंगे बोरीसाल। लाउंज टर्मिनल है ना, वहाँ पे चलते हैं। उसके बाद आपको सारी लाउंज जर्नी दिखाऊंगा मैं। बोरीसाल में है जो कुछ फ्लोटिंग मार्केट वगैरह है, और भी काफी कुछ चीजें हैं। यहाँ पे क्या है कि यार अभी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इतना मार्केट वगैरह खुला नहीं है ढाका के, तो वो मजा नहीं आ रहा घूमने फिरने में। जो रियल ट्रेवलिंग होती है ना, रियल बांग्लादेशी स्टाइल में जो ट्रेवलिंग करनी है ना, वो हो नहीं पा रही है ढाका में। तो हम सोच रहे हैं यार चलते हैं बोरीसाल चलते हैं, फिर 2-4 दिन उधर घूमेंगे, 1-2 दिन घूमेंगे, फिर चिट्टोगांव जाऊंगा या कोक्स बाजार जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा कोई आइडिया नहीं है। देखते हैं जहाँ भी जाते हैं वो आगे प्लान आप लोगों को पता चलते जाएंगे जैसे जैसे वीडियो जाते जाएंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर सदर बाजार, 1 किलोमीटर का इसको दे रहा हूँ 40 टका। ये देखो ये कोई पार्क वगैरह है भाई यहाँ पे। कभी घूमेंगे वापस जब ढाका आऊँगा ना, तभी पार्क वगैरह सारी चीज़ें दिखाऊँगा यार ढाका की, बांग्लादेश की आपको। ये फ्रूट वगैरह ये इतना बंद होता नहीं है ढाका, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को, इतना सुनसान। ये इतनी भीड़ दिख रही है ना, ये ढाका के हिसाब से मान लो ये सुनसान हो रखा है अभी। इतनी भीड़ अपने इंडिया में और कहीं नॉर्मल है, लेकिन यहाँ के लिए ये सुनसान है अभी। अभी यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो काफी प्रोटेस्ट वगैरह कर रही है। यहाँ पे 2 महीने बाद जनवरी में इलेक्शन है, तो इसी वजह से यहाँ पे अभी थोड़ा सा सिचुएशन ना ठीक नहीं है। मतलब ठीक तो क्या ही बोलूँ, लेकिन होता ही, वो हर कंट्री में होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना। तो इसलिए हम लोग ढाका से बाहर निकल रहे हैं, बोरीसाल जा रहे हैं, बोरीसाल कुछ दिन घूमेंगे। कितना हिंदुस्तान? हिंदुस्तान तुम जानता, हिंदी जानता है तुम? हिंदी जानता है? हिंदी कश्मीर नहीं, राजस्थान जयपुर, हिंदी नहीं जानता? चलो कोई ना, मिलते हैं फिर, है ना। हाँ भाई क्या हुआ, आप कहाँ से आए? मैं इंडिया से हूँ। बांग्ला नहीं जानते? बांग्ला नहीं जानता मैं। अच्छा, आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? द इंडो ट्रेकर। अच्छा, मैंने तो अभी अलग इंटरनेट नहीं भरे। अभी उन भाइयों को आने में टाइम लगेगा, तब तक मैं यहाँ पे कुछ खाता पीता हूँ, फिर अंदर चल के और फेरी का जो शिप होती है उसका टिकट लेंगे। अभी यहाँ पे कुछ भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है, ठेले वेले हैं जो देखो खाली पड़े हैं सारे के सारे। बाकी नॉर्मल टाइम में ना यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह चल ही रहे हैं, आप लोगों को पहले बताया। यहाँ पे गन्ने का जूस पीते हैं। कितना टका एक गिलास? कितना पैसा? 20। ओके एक दे दो भाई, 20 टका का एक गिलास मिलेगा। 20 टका बहुत सस्ता है यार, ज़्यादा महंगा नहीं है।
पहली बार ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे गन्ने का जूस। वैसे आप लोगों को बता दूँ गन्ना बहुत होता है बांग्लादेश में, एकदम मस्त है। फेरी जाती है 8 बजे, लेकिन उसका टिकट ना पहले लेना पड़ता है हम लोगों को। तो गाइस अभी यहाँ पे टर्मिनल पे ही है, आलोक तो आ गया है और एक जो भाई था आपने पिछले वाली वीडियो में देखा होगा जो सांकारी बाजार था, हिंदू बाजार, वो भाई भी मेरे से मिलने आया है, वो लॉयर है यहाँ पे। तो अभी कोर्ट से वो अपने ड्यूटी मतलब कोर्ट से वहाँ पे ऑफिस से जल्दी से काम खत्म करके मेरे से मिलने यहाँ पे टर्मिनल पे आया है। तो अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग भी मिलते हैं यहाँ पे, पूरे सेटअप में घूमता है भाई है, जलवा है भाई का। और ये दोहा से कल आप मिले ही थे, हाय दोहा आवारी। और ये भाई लोग कैसे हो आप सब लोग, बढ़िया मजे नाइस बालो अच्छी बांग्ला। ये कमेंट्री सुन रहे हैं पता है इंडिया मैच का, ये फोन में कमेंट्री सुनते हैं। इंडिया इंग्लैंड का मैच है आज, यू सपोर्ट इंडिया और इंग्लैंड, पाकिस्तान यू सपोर्ट, पाकिस्तान यू सपोर्ट, अफगानिस्तान यू सपोर्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान, व्हाट अबाउट इंडिया, यू डोंट सपोर्ट इंडिया, लाइक इंडिया यू डोंट लाइक इंडिया, बट स्टिल वी लाइक यू, पाकिस्तान स्टिल वी लाइक यू, वी इंडियन लाइक यू। पाकिस्तान हार गया वर्ल्ड कप, यू शुड गो देयर, आपको जाना चाहिए था वहाँ सपोर्ट करने, इंडिया में पाकिस्तान को देखने जाना चाहिए था, सपोर्ट करना था। आज वैसे इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है तो ये भाई को मैंने पूछा भाई किसको सपोर्ट कर रहा है, भाई बोल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला यार पाकिस्तान तो हार गया, जाना चाहिए था वहाँ पे, भाई उदास दिख रहा है भाई पाकिस्तान हार गया। ऐसे ये लाउंज जाएंगे, ऐसे ये शिप जाएंगे वहाँ पे बोरीसाल तक, तो ऐसे ही शिप में हम लोग जाने वाले हैं। भाई साहब क्या जबरदस्त, क्या बड़े बड़े शिप है, ये सारे के सारे शिप ना अदर सिटीज में जाते हैं, ये सारा सिर्फ दूसरा सिटी में जाता है ना। अच्छा अच्छा बोरीसाल चटगांव, भाई क्या जबरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से यार, काफी बड़े बड़े लॉन्च है यार, काफी बड़े बड़े सिप है ये। मेरे समझ में नहीं आया कि धुआं किस बात की छोड़ते जा रहे हैं यहाँ पे, ये भाई ना वहां से चलता चलता आ रहा है धुआं छोड़ते छोड़ते। अभी हम लोग वहां से व्यू देखने गए थे रूफ टॉप पे, वहां से नीचे आ गए। अभी वो धुआं छोड़ रहे थे ना, वो मच्छरों को मारने के लिए धुआं छोड़ रहे थे, लेकिन मच्छरों से ज्यादा वो इतनी बदबू आ रही थी उस धुआं में। अभी हमारा जो लाउंज स्ट्रिप है ना वो 9 बजे है यार, अभी टाइम हुआ है यहाँ पे 4:30-5 बजे के लगभग हुआ है, तो हम देख रहे हैं यार थोड़ा सा मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ की कारें देखो आप लोग, तो ये कारें ऐसे लग रही है ना, मैं वो केन्या मसाई मारा सफारी करने गया था तब जंगल सफारी के लिए यूज में लेते थे ऐसी कारें, सेम वैसी बिल्कुल ओपन कार है, ओपन जिप्सी मान लो, जंगल सफारी के जबरदस्त काम आए ये वाली कारें। वैसे आप लोगों को पता है यहाँ का बांग्लादेश का जो ढाका का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो तो भाई साहब बिल्कुल क्रेजी है। अभी तक क्या है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, स्ट्राइक वगैरह चल रही है, तो हम लोगों का इतना एक्सपीरियंस करने का मौका मिला नहीं यहाँ का लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो। तो गाइस दिन भर यहाँ पे घूम फिर के हमारी फेरी है लेट, और अब हम लोग जा रहे हैं कि फेमस बिरयानी शॉप है, क्या नाम है, हाजी बिरयानी। तो आलोक भाई सवारी करते रहो, हाजी बिरयानी फेमस है यार, बहुत ढाका में बहुत फेमस है, सबसे फेमस बिरयानी की शॉप वही हाजी बिरयानी। ये देखो भाई यहाँ का माहौल, चारों तरफ पुलिस पुलिस हो रखी है, जिधर देखो उधर फोर्स ही फोर्स तैयार तैनात कर रखी है इन लोगों ने। यहाँ ये देखो डबल डेकर बस है, ये धक्का देती हुई जाती है, वो उसके टक्कर मारेगी बांग्लादेश। बस देखो मेरे पीछे, बसों की हालत बहुत बुरी है यहाँ पे। ऐसे फील आ रहा है जैसे हाजी बिरयानी की जो गली है ना वहाँ पे पहुँचने वाले हैं हम लोग। ओ भाई ये रिक्शा, ये लो हो गया काम, भिड़ा दिया। लड़ाई और हो जाती है भाई लोगों में रिक्शा फंसते ही। बाका हो गया, टेढ़ा हो गया क्या? नहीं ठीक है। अभी ये रिक्शा की टक्कर हुई है ना, यहाँ पे ऐसे बसों की टक्कर भी होती है, बसों की टक्कर भी दिखाऊंगा आप लोगों को, बस एक बार ये ढाका ना प्रॉपर ओपन हो जाए फिर दिखाऊंगा यहाँ की बसें कैसे रगड़ा लगाती हुई जाती है एक दूसरे के। पता ही नहीं ऐसे लग रहा है कितने पुराने एरिया में आ गए हो भाई। कौन सा हाजी बिरयानी, यही है? अच्छा सामने है क्या, मस्जिद के सामने, ओके ओके थैंक यू। हाँ हाँ हाँ
और नकली कौन सा है? अच्छा नकली असली दो आजी बिरयानी है क्या यहाँ पे? अच्छा यार मैं सोच रहा था जो कोई फेमस दुकान है ना वो बहुत बड़ी होगी, बहुत हाई फाई होगी, लेकिन ये बड़ी ही नॉर्मल सी बड़ी ही छोटी दुकान है। यहाँ पे बड़ा सा एक कढ़ा होता है, उस कढ़ाई में ना ये बिरयानी वगैरह सब रेडी रखते हैं। ये ऐसे ही कढ़ाई मैंने अफगानिस्तान में भी देखे थे यार, इतने बड़े बड़े कढ़ाए। ये है हाजी बिरयानी, देखते हैं टेस्ट करके। ये है मटन, ये राइस वगैरह। दिखने से मुझे इतना टेस्टी, टू बी ऑनेस्ट इतना टेस्टी नहीं लग रहा, लेकिन खा के टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा टेस्ट है बिरयानी का। जो टोटल कॉस्ट था, तीन बिरयानी ली थी हम लोगों ने, 780 प्राइस थी तीन बिरयानी की। यहाँ पे पूरे के पूरे स्ट्रीट में बांग्लादेशी फूड मिलेगा, लोकल फूड। ये देखो इतने बड़े बड़े हांडों में ये लोग जो कढ़ाई, मान लो यार इतने इतने बड़े बड़े बर्तन में है जो यहाँ के लोकल फूड बनाते हैं लोग। एकदम अलग ही वाइब्स आती है यहाँ पे। काफी पुराना सिटी है वैसे, ये पुराना ढाका है। ढाका को दो पार्ट में बांटा गया, एक पुराना ढाका और एक न्यू ढाका। तो न्यू ढाका को भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन वो बाद में। 9 है यार फेरी, अभी 3 है हमारी फेरी में। और क्रिकेट का क्रेज देखो आप लोगों, तो कितनी सी गली में, कितनी सी जगह में कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं लोग। बांग्लादेश में क्रिकेट का क्रेज बहुत जबरदस्त है यार। ये देखो आउट 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 कितनी सी ये कभी मौका मिला ना तो मैं भी क्रिकेट तो जरूर खेलूंगा यहाँ पे लोकल लोगों के साथ में। यहाँ पे कोई चाय की शॉप पे आए हैं, काबुल काबुल टी भाई, काफी फेमस शॉप है यहाँ पे। चाय वगैरह ट्राई करनी है क्या? चाय अलग अलग फ्लेवर मिलेंगे यहाँ पे चाय के। यहाँ पे चाय को चाय नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? देखिए देखते हैं, दूध चाय ट्राई करते हैं। चाय की दुकान पे कितनी भीड़, भाई ने ना बैठने की व्यवस्था नहीं कर रखी, लेकिन भीड़ देखो चाय की दुकान पे। क्लीन रखना चाहिए वैसे रिवर वगैरह को। अभी शाम के हालात कुछ ऐसे हैं भूरी गंगा के। यहाँ पे टिकट काउंटर है, अंदर एंट्रेंस फीस पे करनी पड़ेगी यहाँ पे 10%। इतने सारे आपको लॉन्ज यहाँ पे सिप मिलेंगे, आपकी जो मर्जी हो उसी सिप में आप लोग टिकट ले सकते हैं। लेकिन इनकी साइज भी तो देखो आप, कितने बड़े बड़े सिप हैं। पूरे के पूरे रूम बने हुए हैं इनमें, उसमें बालकनी वगैरह, ठीक है, गेट वगैरह सब लगे हुए हैं। वो लोग पूछ रहे हैं किधर से आया है। चलो अंदर चल के ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पे ले लिया हमने टिकट वगैरह। बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं नाइट में, यहाँ के काफी जबरदस्त माहौल बना रखा है। ये है यहाँ का टिकट काउंटर, और हम लोगों ने लिया है एसी वाला, लिया है सिंगल वाला। इसमें क्या है, वॉशरूम वगैरह कुछ अटैच नहीं मिलेगा, कॉमन मिलेगा। वो है 1000 का एक बंदे का। तो चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ, अब यहाँ की जो कैटेगरीज है ना, VIP नॉर्मल कैटेगरीज में आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले चेक इन करते हैं रूम में चल के, और फिर आप लोगों को इसका एक क्विक टूर भी दे दूंगा इस लॉन्च का, शिप का। देखो यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, यदि आप लोगों को रिवर व्यू देखना है। ये यहाँ के रूम वगैरह कुछ ऐसे हैं, VIP भी दिखाऊंगा और नॉर्मल वाले भी दिखाऊंगा। ये है लग्जरी वाला, इसका कॉस्ट बहुत महंगा रहता है वैसे। इसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। ये है यहाँ पे डबल बेडरूम मिल जाएगा, इंडिया इंग्लैंड का मैच भी चल रहा है, और यहाँ से बाहर आप लोगों को है जो बालकनी व्यू सब मिलेगा। ये देखो बालकनी वगैरह सब, इसको आप लोग खोल सकते हैं। इसका प्राइस है 6000, तो ये काफी एक्सपेंसिव है वैसे तो, 6000 प्राइस है, लेकिन है जबरदस्त। 208 पे 7 क्या किया इन्होंने, पहली बैटिंग आते ही इन्होंने तो सारी नैया डुबो दी आज। है अच्छा ना, काफी अच्छा बना रखा है इन्होंने VIP वाला। यह है VIP लॉन्ज रूम, एकदम वैसे लग रहा है 5-star होटल की तरह, जबरदस्त। पहली बार कर रहा हूँ लॉन्च ट्रिप। यहाँ से लेना है की S350 AC, हैव ए नाइस ट्रिप। अपना वाला जो रूम है वो TV इज वर्किंग, ये लो इसका हम लोगों ने दिया है 1000। TV इज वर्किंग। ये है अपना टाइटैनिक क्रूज, आज हम लोग इसमें जाने वाले हैं। बाहर आ गए
मेरे वाले रूम का आप लोगों को टूर दे दिया है, अब आप लोगों को और भी दिखा देता हूँ यहाँ पे मतलब कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। पूरा आगे तक बहुत सारे रूम बने हुए हैं। ये वाले रूम है ना नॉन एसी है, यहाँ से आप लोगों को दिखेगा रिवर का व्यू, लेकिन ये वाले नॉन एसी है, हम लोगों ने बीच में लिया है वो है एसी वाला। और नीचे भी चल के बता देता हूँ, शॉप वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो इस शिप में ना सामान लोडिंग हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा नहीं है ऐसे लग्जरी मिलेंगे, लोग ना नीचे लेट के भी जाते हैं, तो वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। मिनिमम प्राइस का है ना वो भी बता देता हूँ, ये काफ़ी सस्ता है साइज का, पता नहीं 300-400 टका होता होगा मेरे हिसाब से। ये देखो ये है सबसे लो प्राइस वाला, यहाँ पे आप लोग अपनी चटाई वगैरह बिछाओ और बस चल दो। थोड़ा सा चलते हैं आगे, इसका अलग ही माहौल है यार, ये एक्सपीरियंस कौन कौन लेना चाहेगा। यहाँ पे बढ़िया चटाई वगैरह बिछाओ और अपने चल दो बस, वाह भैया ये है क्रेजी माहौल। तो हम लोग जिस लॉन्ज में है ना उस लॉन्ज में सबसे नीचे है ये पोर्शन। और यहाँ पे देखो मैच बताता हूँ आप लोगों को, तो कितनी बड़ी स्क्रीन पे मैच चला रखा है, ये देखो कितनी बड़ी स्क्रीन पे मैच चल रहा है। ओ वाह भाई वाह, बुमराह ने है जो बोल्ड कर दिया भाई, 30 रन पे एक विकेट, क्या गेंदबाजी करता है बुमराह यार, यहाँ मैच देखूंगा मैं तो बढ़िया मस्त। 4.5 ओवर में 30 रन पे एक विकेट, ये देखो बुमराह ने क्या बोल्ड किया है, ये भाई साहब लेग स्टंप उड़ा दिया जबरदस्त। क्या लगता है जीतेगा क्या इंडिया? अब यहाँ से देखो पूरा का पूरा आगे तक है ना बस लोग सोके जाते हैं, यहाँ से मैच अच्छा देख सकते हैं, लेकिन बड़ी स्क्रीन लगा रखी है। हमारे रूम में तो ना छोटा सा टीवी लगा रखा है, उसमें चिन्हने आ रहे हैं, कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया का हाँ इंडिया का यूट्यूबर है। क्या तुम पसंद नहीं करते यूट्यूबर को? इंडिया वालों को पसंद नहीं करते क्या तुम? लाइक करते हो? क्या बात है, बहुत बढ़िया। पाकिस्तानी है दोनों लाइक करो। हाँ सही है, अच्छा बात है, सबको करना चाहिए। यूरोप को नहीं चाहिए? हाँ यूरोप का नहीं चाहिए। अरे क्या बात है भाई, इतना जल्दी दो आउट हो गए, रिव्यू ले लिया। अब रिव्यू देखते हैं देखिए आउट हुआ है क्या हुआ है। ये बॉल गई, बता भाई आउट हुआ या नहीं हुआ यहीं पे पहुंच करके। विकेट आउट, सब लोग वेट कर रहे हैं आउट हुआ या नहीं हुआ, आउट हुआ या नहीं हुआ, आउट। ये विकेट, क्या सोच रहा है भाई, दे दे यार आउट। आउट, दो हो गया, बुमराह ऑन हैट्रिक, कंटिन्यू टू विकेट। तो देखो भाई सब लोग ना यहाँ पे इंडिया का मैच देखते हैं, इंडिया का मैच और बांग्लादेश का मैच, पाकिस्तान का मैच जब भी आता है ना तब यहाँ पे हर कोई टीवी खोल के बैठ जाता है, हर कोई मैच देखता है यहाँ पे। बेन स्टोक्स भी गया यहाँ पे, सामने सीधा कर दिया बोल्ड बेन स्टोक्स को। अरे सच्चा हट जाओ, ये देखो ये बॉल गई और ये सीधा बोल्ड बेन स्टोक्स बोल्ड। ये देखो कोहली का रिएक्शन, ओ माय गॉड, ओ तेरी तो ये देखो। कहता है जीतेगा इंडिया? नहीं इंडिया जीतेगा, सही है इंडिया जीतेगा। ये भाई इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा है, इंग्लैंड हारेगा। देख लेना मैं सुबह आऊंगा यहाँ पे, इंग्लैंड हार गया तो क्या करेगा वो। इसीलिए बात है तुम्हारा मोदी के लिए, इसीलिए बात कर रहा हूँ इंडिया का, चाहे मोदी से नफरत कर रहे हैं, ये खेला है एशिया का खेला है। इंडिया नहीं करूंगा, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, बांग्लादेश को बर्बाद किया, इंडिया को बर्बाद किया इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ने कितने देशों को बर्बाद किया। ये लो भाई साहब जॉनी बेयरस्टो को भी सामे ने किया बोल्ड, 39 रन पे हो गए 4 विकेट, वो तो कोहली से एक हल्का सा कैच छूट गए, नहीं यहाँ भी होते 5 विकेट यहाँ पे। काफी देर से वहाँ बैठा मैं मैच देख रहा था वहाँ पे यार। आज पता है मैं पहले पता है क्या सोचा करता था, यहाँ पे आया था ना उससे पहले मेरे को यही लगता था कि ना ये लोग जो इंडिया वाले हैं ना उनसे काफी प्यार मोहब्बत करते हैं, इंडिया वालों को अच्छा चाहते हैं। लेकिन आज पता नहीं मुझे काफी जगह से देखने को मिला, मतलब लोग मेरे मुंह पे बोल रहे हैं भाई हम इंडिया से पोंपो कर रहा है। थोड़ा सा आगे चलता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ऐसा सीन है कि लोग मेरे मुंह पे कह रहे हैं, मेरे सामने कह रहे हैं कि हम लोग ना इंडिया से नफरत करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। अब मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों है भाई, क्या बिगाड़ा इंडिया वालों ने, इंडिया वालों ने तो इनकी बहुत हेल्प की है, 1971 में भी बहुत हेल्प किया था,
खैर आप सबका अपना अपना वो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का, सोचने का। काफ़ी लोगों ने बोला भी वहाँ मैच देख रहा था, वहाँ भी वो लोग है ना जो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। मैं देख के ताजुब हो गया यार, ये लोग इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं आज देखो। मैं तो यही सोचता था कि बांग्लादेश के लोग वगैरह बहुत अच्छे हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन आज तो काफ़ी लोगों ने बोला, मतलब ज़बरदस्ती कोई बात भी नहीं होती और ज़बरदस्ती बोलते हैं हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम इंडिया वालों से जो नफरत करते हैं। मैंने बोला भाई तुम करो, तुम्हारी मर्जी, उससे हमें क्या लेना, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे मेरे रूम में भी मैच तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ना वो मज़ा नहीं आ रहा देखने में, छोटी सी स्क्रीन है। ये देखो भाई सामान वगैरह सब पटक दिया है। वाह क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ इंडिया से कैसे हो? बढ़िया। अच्छा सबसे ऊपर आ गए भाई लॉन्च के। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and 300-400 लॉन्स तो खड़े होंगे इस पूरी रिवर में। स्टार्ट हो गया हमारा लॉन्च, अब चलते हैं और सोते हैं, दिन भर के इधर से उधर उधर से इधर भटक रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रात में यही वाला क्रूज था, लाउंज था हमारा, इसी में आए थे हम लोग। काफ़ी अच्छा लगा, बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। लॉन्च जो जर्नी थी ना, क्या ही ज़बरदस्त थी, नींद भी अच्छी आई। 5 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। 5 बजे पहुँचने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्या ही करेंगे, बाहर जाके होटल वगैरह इतना जल्दी कहाँ पे सर्च करेंगे, इसको भी यहीं खड़े रहना था, तो हमने सोचा इसमें पड़े रहते हैं, इसी में सोते रहते हैं। ये वाला हमारा लॉन्च था, इसमें हम लोग आए थे। कितना बड़ा ना, ऐसे लगता है जैसे कोई होटल हो। ये है बोरीसाल का पहला इम्प्रेशन। अभी यहाँ पे 7 बज गया है, अब दिखाएंगे, देखते हैं बोरीसाल में क्या क्या है घूमने लायक, और फिर आप लोगों को दिखाएंगे बोरीसाल। यदि कुछ नहीं हुआ है यहाँ घूमने लायक, तो मैं मेरे लिए घूम फिर के वापस ढाका चला जाऊँगा, चिटगांव चला जाऊँगा। तो ये था गाइस इस वीडियो के बारे में, आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी एक नई जर्नी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।